नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में कोरोना की रोकथाम को लेकर सीएम ने दिए निर्देश। कुक्षी प्रशासन ने की कोविड को लेकर तैयारियां, वैक्सीनेशन का कार्य भी सक्रियता से चल रहा। पुष्पराजगढ़ के अमरकंटक का प्रशासन दिखा लापरवाह। मकर संक्रांति के पर्व पर नहीं दिखी सतर्कता, मंदिर परिसर में नहीं दिखी प्रशासनिक व्यवस्था। और मध्य प्रदेश में क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक में सीएम ने दिए निर्देश। देवास में कलेक्टर और सांसद ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, चिकित्सीय सुविधाओं का लिया जायजा। शुक्रवार को धार के कुक्षी में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई। इस दौरान प्रदेश के सभी अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम का उद्बोधन सुना। एसडीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार कुक्षी क्षेत्र में कोविड-19 को लेकर तैयारियां की गई है। इसके साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। कोविड-19 को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। वहीं कुक्षी क्षेत्र में वैक्सीनेशन का कार्य भी सक्रियता से स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है। मुख्यमंत्री महोदय की वीसी हुई, जिसमें सभी जिला अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस कमेटी, ग्राम पंचायत स्तरीय क्राइसिस कमेटी और सभी जनप्रतिनिधि सब लोग उपस्थित थे। यह वीसी 3 मुद्दों पर थी। एक तो पहला टीकाकरण, दूसरा अपनी कोविड की तीसरी लहरों की तैयारी और तीसरा 15 से 17 वर्ष के जो बच्चे हैं इनका टीकाकरण। और ये बिंदु जो थे तीनों आज के आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि यदि तीसरी लहर आती है तो हम उससे लड़ने के लिए पूरे पूरे तैयार रहें। देश और प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद भी स्थानीय प्रशासन का अलर्ट न होना बेहद ही गंभीर विषय है। जबकि अनूपपुर जिले के मौजूदा हालातों की बात करें तो जिले भर में 50 से अधिक एक्टिव केस है। वहीं सूत्रों की माने तो पुष्पराजगढ़ तहसील अंतर्गत आने वाले पवित्र तीर्थ अमरकंटक का स्थानीय प्रशासन, चाहे वह नगर परिषद हो या फिर पुलिस की टीम, इनकी कार्यवाही महज दिखावे के लिए होती है। ऐसे में जब आज मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों श्रद्धालु बाहर से अमरकंटक दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, तब किसी तरह की प्रशासनिक व्यवस्था मंदिर परिसर के आसपास दिखाई न देना बेहद ही चिंता का विषय है। तीर्थों की दृष्टि से मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। लोगों के लिए पुण्य लाभ, पुण्य अर्जन करने के लिए विशेष पर्व कहलाता है, क्योंकि पुण्य फल मिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा न पाप फल मिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पाप का फल है पीड़ा, भय, व्याधि, जरा, पीड़, मृत्यु, और पुण्य का फल है सर्व ऐश्वर्य, सुख। सभी प्रकार के जो सुख हैं वो पुण्य के फल से मिलते हैं, और पुण्य अर्जन करने के लिए मकर संक्रांति से बढ़कर कोई पुण्य तीर्थ, कोई पुण्य पर्व नहीं है। हम लोग छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हैं। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर यहाँ स्नान करने आए थे। स्नान करने के बाद दर्शन वर्शन किए। नर्मदा मैया, रामेश्वर प्रसाद पटेल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और क्या कुछ कामना लेके आए इस वर्ष मकर संक्रांति? मकर संक्रांति में स्नान नान करने से पाप पुण्य सब एक हो जाते हैं, इसलिए हम नहाने आते हैं। अभी क्या नाम है? मेरा नाम रविशंकर कश्यप है। अब तो बहुत समय से आ रहे हैं वैसे। जी हाँ, तो आज क्या कुछ कामना लेके आए? आज स्नान करने ही आए थे माता जी। धार जिले की कुक्षी तहसील अंतर्गत बाग रोड पुनर्वास में थान सिंह रावत के मकान में धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि कैलाश डोडवे नाम का व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता था। दरअसल कैलाश डोडवे भोले भाले जनजाति समाज के लोगों को बहला फुसला कर कुक्षी बुलाता था और बीमारी ठीक कराने के बहाने धर्म परिवर्तन करता था। बता दें, जनजाति विकास मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कैलाश डोडवे के मकान पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से धर्म परिवर्तन करते हुए उसे पकड़ा है। आज का ये ईसाई धर्मांतरण वाला मामला था। यहाँ पर पुनर्वास में जो कैलाश डोडवे करके रहते हैं कमरा किराए लेके, वो कुछ ईसाई की पुस्तक पढ़ा रहे, बाइबिल। बोले कि ईसाई धर्मांतरण कर लो, आपको पैसे मिलेंगे, मकान देंगे, ऐसा लोभ लालच करके बीमारी के नाम से। वो लोग कुछ लालच में आ जाते तो 4 से 8 लोग थे ये, पर बोले कि धर्मांतरण कर लो ईसाई वाला।
तो आपको सब कुछ पैसे नहीं मिलेंगे करके ऐसी लालच दी। हाँ, आज थाना कुक्षी में जो है धर्मांतरण का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें फरियादी जो हमारे अशोक बावनिया, इन्होंने आके बताया कि कैलाश जुगवे नाम का आदमी है जो अपने घर पर जो है लोगों को बीमारी ठीक होने और धन का लालच देकर धर्मांतरण करने के लिए जो है प्रोत्साहित कर रहा था। तो जो है अशोक की रिपोर्ट पर कैलाश जुगवे के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया, धर्मांतरण कराने का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें इसकी जाँच की जा रही है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक में सभी जिलों के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए थे। इन सभी निर्देशों का पालन करते हुए शुक्रवार को देवास में कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की चिकित्सीय सुविधाओं का जायजा लिया गया और ऑक्सीजन प्लांट को देखा गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों से चर्चा की है। इसके साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिला अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्थाएं रखने को कहा है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।